हेलो किड्स, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। आई एम योर टीचर समन्विता वाजपेयी। और आज हम आपके ग्रामर बुक का थर्ड चैप्टर नाउन है जो हम सॉल्व करेंगे। नाउन्स, कॉमन, प्रॉपर एंड कलेक्टिव नाउन, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी मैंने आपको भेजी है आपको समझाने के लिए। पहले आप उसे देखिए, उसके बाद ये चैप्टर सॉल्व करिए। मैं आपको इसका सोल्यूशन बता रही हूँ, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट से लेके राइट ऑल द नाउन्स यू कैन सी इन द पिक्चर। आपको जो भी नाउन वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर में, आपको फाइंड आउट करके ये जो थ्री लाइन्स लिखी हैं, लगी खींची हुई हैं, इनमें लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिख रहा है। तो इस पिक्चर में हमें दिख रहा है ताजमहल, दिख रहा है? ताजमहल एक जगह का नाम है, एक बिल्डिंग का नाम है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, इसलिए वो नाउन होगा और हम लिखेंगे ताज महल। इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, फ्लावर्स दिख रहे हैं। तो हम फ्लावर्स क्या होंगे, नाउन। तो हम दूसरी लाइन में लिखेंगे फ्लावर्स। और क्या दिख रहा है हमें, ग्रीन लीव्स दिखाई दे रही है ना, तो हम लिखेंगे लीव्स। बर्ड्स दिख रही हैं, दिख रही हैं किसी को बर्ड्स? मुझे तो नहीं दिख रही हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और क्या दिख रहा है, क्लाउड दिख रहा है, हम क्लाउड लिख सकते हैं। स्काई दिख रहा है, स्काई। वाटर दिख रहा है, वाटर भी नाउन होगा। ग्रास दिख रही है, ग्रास भी नाउन है। और एक रोड भी दिख रही है ना। तो ये सारे वर्ड्स, ताजमहल, फ्लावर्स, लीव्स, बर्ड्स, क्लाउड, स्काई, वाटर, ग्रास और रोड, ये हम कहाँ लिखेंगे, इन लाइंस में। चलिए आगे देखते हैं। अब मैम ने आपको बताया था नाउन की डेफिनेशन, मैम आपको बता चुकी हैं। नाउन आर द नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल, प्लेस एंड थिंग, ठीक है। तो अब हम आगे की एक्सरसाइज करते हैं। सर्कल द नाउन्स इन द सेंटेंस। आपको ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें आपको नाउन को सर्कल करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मदर केप्ट द स्पून कॉमा डिशेस एंड बाउल्स ऑन द शेल्फ। माँ ने चम्मचों, कटोरियों और प्लेटों को शेल्फ पर रखा। तो हमें पता है कि चीज़ों के नामों को, पीपल के नाम को क्या होता, क्या कहते हैं, हम नाउन्स कहते हैं। तो हम इसमें नाउन फाइंड आउट करेंगे। तो मदर, स्पून्स, डिशेस, बाउल्स और शेल्फ। शेल्फ क्या है, जगह का नाम है ना शेल्फ, इसलिए शेल्फ भी क्या होगा, नाउन होगा। अब सेकेंड वाला देखते हैं। द गोट च्यूड द कर्टन, बकरी ने क्या किया, कर्टन को चबा लिया। तो यहाँ क्या होगा, गोट क्या है, एनिमल, और कर्टन क्या है, वस्तु। तो गोट और कर्टन दोनों क्या होंगे, नाउन। द वेल इज अ माइटी क्रिएचर, जो वेल है वो माइटी क्रिएचर है। तो क्रिएचर और वेल इसमें क्या होंगे, वेल क्या है, एनिमल है ना, एनिमल में आता है वेल। तो वेल और क्रिएचर दोनों क्या कहलाएंगे, नाउन्स। द डॉक्टर गेव मी सम मेडिसिन, डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी। तो दवाइयाँ क्या है, वस्तु, चीज़ हो गई ना, और डॉक्टर क्या है, पर्सन। तो डॉक्टर और मेडिसिन दोनों क्या होंगे, नाउन। नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज अ बैनियन ट्री नियर माई हाउस, मेरे घर के पास वहाँ एक बरगद का पेड़ है। तो इस सेंटेंस में देखते हैं, बैनियन ट्री और हाउस क्या होंगे, नाउन होंगे। पुणे इज अ बिग सिटी, पूना एक बड़ा शहर है। तो पूना और शहर दोनों क्या होंगे, नाउन। आई लाइक टू ईट मैंगोज इन समर, मैंगोज क्या है, चीज़ हो गई, वस्तु हो गई, और समर क्या है, वेदर, मौसम। हम मौसम को फील कर सकते हैं ना, अच्छा वो चीज़ें भी नाउन्स होती हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं। तो वेदर को तो हम फील करते हैं ना, कब सर्दी है कब गर्मी है, इसलिए समर क्या होगा, नाउन होगा। शोभा, रजनी एंड संता आर माई फ्रेंड्स। तो इसमें कितने नाम दिए हुए हैं, शोभा दिया है, रजनी दिया है, संता दिया है, और ये सारे क्या है, दोस्त। तो दोस्त भी क्या है, एक ग्रुप है ना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका।
फर्स्ट पेज ऑफ नाउन, जस्ट गो विद द सेकेंड. अब इसके आगे हम देखते हैं कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स. नीचे देखिए बी सेक्शन, सर्कल द वर्ड्स दैट आर नॉट कॉमन नाउन्स. आपको उन वर्ड्स को सर्कल करना है जो कॉमन नाउन नहीं है. तो कॉमन नाउन कौन कौन से होते हैं आपको पता है? मैम ने आपको बताया था, वर्ड्स दैट आर द कॉमन नेम्स फॉर पर्सन एनिमल प्लेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स. जो चीज़ें, वस्तुएं, जानवर को हम कॉमन नामों से बुलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन्स. और जो किसी का एक पर्टिकुलर नेम होता है उसको क्या कहते हैं? फिक्स होता है कि हाँ ये उसी का नाम है, उसी का हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता, वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन. तो अब हमें इसमें डिफ्रेंशिएट करना है कि प्रॉपर नाउन कौन सा है और कॉमन नाउन कौन सा है. फर्स्ट देखते हैं बैग, बेड, बिस्किट एंड माया. तो बैग, बेड, बिस्किट ये तीनों क्या है? चीज़ों के नाम है, वस्तुओं के नाम है. लेकिन माया क्या है? एक पर्सन का नाम है और ये फिक्स है. देखो बैग फिक्स नहीं हो सकता, हो सकता है छोटा हो, स्मॉल हो, बिग हो. बेड हो सकता है बिग हो, स्मॉल हो, है ना. बिस्किट हो सकता है किसी मीठा हो, नमकीन हो, या किसी और कंपनी का हो. किस कंपनी का है नहीं पता, है ना. तो ये फिक्स नहीं है कि किसके बारे में बात हो रही है. तो ये कॉमन नाउन्स हैं. लेकिन माया, माया एक पर्टिकुलर लड़की का नाम है, इसलिए क्या होगा? माया यहाँ पर प्रॉपर नाउन है. तो हम इसमें माया को सर्कल करेंगे. तो सेकंड है कप, प्लेट, चाइना एंड स्पून. अब इसमें आप देख रहे हो कप, प्लेट एंड स्पून ये तीनों क्या है? यूटेंसिल्स हैं, बर्तनों के नाम हैं. लेकिन चाइना क्या है? एक शहर का नाम है. तो इसमें किसको सर्कल करेंगे हम? चाइना को. नेक्स्ट क्या है? ब्रेड, बटर, चीज़ एंड अमूल. तो अब इसमें देखिए ब्रेड, बटर एंड चीज़ ये तीनों वस्तुओं के नाम हैं. लेकिन अमूल क्या है? एक ब्रांड है. अमूल ब्रांड का नाम है. अमूल की तो सारी चीज़ें आती है, ब्रेड, बटर और चीज़, इसलिए अमूल को सर्कल करेंगे. नेक्स्ट क्या है? ब्रेक, चॉकलेट, केक एंड मिल्क. इसमें क्या होगा? मे बी दिस वन इज रॉन्ग. तो हम आगे का लेके चलते हैं. अदरवाइज चॉकलेट, मिल्क एंड केक ये तीनों प्रोडक्ट्स हैं. एंड ब्रिक इज समथिंग एल्स. तो नेक्स्ट देखते हैं बॉय, मुंबई, गर्ल एंड मैन. तो मैन, गर्ल एंड बॉय ये तीनों क्या है? पर्सन्स हैं. लेकिन मुंबई क्या है? एक सिटी का नाम है और पर्टिकुलर एक शहर का नाम है कि ये शहर मुंबई है. अब गर्ल, गर्ल तो कोई सी भी हो सकती है. मैन, मैन तो कोई सा भी हो सकता है. आदमी किसी भी लड़के की बात कर सकते, बॉय किसी भी लड़के की बात कर सकते हैं. लेकिन शहर की बात कर रहे हैं, वो फिक्स है कि मुंबई शहर की ही बात हो रही है. तो ये मुंबई क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. इसलिए हम क्या करेंगे? प्रॉपर नाउन को सर्कल करेंगे, मुंबई को. डॉग, माउस, टॉमी, कैट. डॉग, माउस, कैट क्या है? डॉग, माउस, कैट तीनों एनिमल्स हैं. और टॉमी क्या है? एक कुत्ते का या बिल्ली का या किसी का भी नाम है. तो जो नाम है वो एक प्रॉपर नाउन में आ गया. ठीक है. एनी, चेयर, टेबल, बुक. अब इसमें देखिए चेयर, टेबल एंड बुक क्या है? चीज़ें हैं. चेयर क्या है? चीज़, वस्तु है. टेबल क्या है? वस्तु है. बुक क्या है? वस्तु है. लेकिन एनी क्या है? नाम है. तो ये, और सबसे बड़ी बात देखिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो कैपिटल लेटर्स में होते हैं. अब देखिए फर्स्ट वाले में माया कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, सेकंड वाले में चाइना कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, थर्ड वाले में अमूल कैपिटल लेटर से स्टार्ट है. तो एक इजी वे ये भी है कि आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जो कैपिटल लेटर से लिखे हैं वो सारे क्या होंगे? प्रॉपर नाउन होंगे. अब तो जल्दी से हो जाएगा ना. तो एट्थ वाला देखते हैं. अब एट्थ वाले में देखो कौन सा कैपिटल लेटर है? रवि. तो रवि क्या है? एक नाम है एक लड़के का, इस वजह से रवि क्या होगा? प्रॉपर नाउन. नाइन्थ में देखते हैं गार्डन, पार्क, इंडिया, मेडो. अब इसमें इंडिया क्या है? एक देश का नाम है पर्टिकुलर, कि इस देश, इस कंट्री का नाम
इंडिया ही है, तो इस वजह से ये कैपिटल लेटर में लिखा है। और ये क्या होगा, क्या होगा, ये कॉमन नाउन होगा, नेल स्क्रू फिलिप्स हैमर। अब नेल स्क्रू एंड हैमर ये तो सारे क्या हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, कील स्क्रू पेंच हैमर हथौड़ी, ये सारे क्या हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। लेकिन फिलिप्स क्या है, एक कंपनी का नाम है और ये कैपिटल लेटर से लिखा है, इसलिए क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। तो अब आप आराम से और इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सी सेक्शन है, इसमें है पिक आउट द प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, राइट पी फॉर प्रॉपर नाउन एंड सी फॉर कॉमन नाउन। तो अब ये तो आप इजीली कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देती हूँ। फर्स्ट वाले में ब्रूनो प्रॉपर नाउन है और डॉग कॉमन नाउन है। सेकेंड में अली एंड मीना प्रॉपर नाउन है, बॉय एंड गर्ल कॉमन नाउन है। थर्ड वाले में सुधा एंड चंदन प्रॉपर नाउन है और डांसर कॉमन नाउन है। माला प्रॉपर नाउन है और नेवर एंड मार्केट कॉमन नाउन है। फिफ्थ वाले में अहमद एंड कोलकाता प्रॉपर नाउन है। सिक्स वाले में स्ट्रिपी प्रॉपर नाउन है और टाइगर एंड केज कॉमन नाउन है। सेवन्थ सीता एंड कारा दोनों नाम हैं इसलिए प्रॉपर नाउन है। और पैरट कॉमन नाउन है, क्योंकि पैरट किसी भी तरह का हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, येलो हो सकता है। ठीक है, एट्थ सुधा बीना एंड गीता ये तीनों लड़कियों के नाम है इसलिए प्रॉपर नाउन है। और फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है, कॉमन, क्योंकि फ्रेंड तो गर्ल्स भी हो सकती हैं और बॉयज भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका सी सेक्शन तक सॉल्व हो गया है। इसके बाद आगे का सेक्शन मैं आपको दूसरे वीडियो में देती हूँ बनाकर, क्योंकि वीडियो की लिमिट है इतने मिनट्स की। ठीक है, तो आप यहाँ तक अब सॉल्व करिए, इसके बाद आगे का सोल्यूशन मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दे रही हूँ। बाय बाय।